हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आर से ऑनलाइन क्लास क्लास सिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर थर्ड। टुडे वी आर डिस्कस एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर थर्ड। विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। जैसे इससे पहले वाले पीरियड में हमने डिस्कस किया था प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं हमारे पास? विच हैज ओनली टू फैक्टर्स, इट इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। एंड Which has more than two factors is called composite number. Prime numbers में हमने discuss किया था prime numbers. Prime numbers में हमारे पास starting two से होती, two, three, five, seven, 11 and so. Prime numbers अब देखिए two के जो factor है two से divisible है and one से divisible है, three से divisible है one से, 5 से डिविजिबल है 1 से। ऐसे जो गिवन नंबर है विच हैज ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर्स। एंड कंपोजिट नंबर्स, विच हैज मोर देन टू फैक्टर्स, 4। अब देखिए 4 से डिविजिबल है 1 से। अब 4 जो नंबर है 2 से भी डिविजिबल, तो हो गया ना इसके मोर देन टू फैक्टर्स 4, 6, 8 के बाद 9, 10 एंड सो, ये कंपोजिट नंबर। अब देखिए विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर, कौन सा नंबर इसमें इंक्लूड नहीं है? 1। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा हमारे पास 1 नंबर इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर। वन नंबर इज नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए कंपोजिट नंबर, दैट इज आंसर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 एंड अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स। कॉन्सिक्यूटिव मीन्स क्या होते हैं? लगातार आने वाले जो नंबर्स। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। गिवन नंबर हमारे पास 1729 हमारे पास 7 से डिविजिबल है, 7 से 2 टाइम्स 14, 3, 32, 7 4 जा 28 एंड 7 जा 14। इसके बाद 247 13 से डिविजिबल है, 31 जा 13, 11 117 19 से डिविजिबल 1729 के जो प्राइम फैक्टर है हमारे पास वो है 7, 13, 19। जैसे इससे पहले वाले जो आपने लेक्चर में डिस्कस किया था कि जो प्राइम फैक्टर है, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, जो गिवन नंबर होते हैं जिससे डिविजिबल है वो सारे नंबर हमारे पास प्राइम नंबर होने चाहिए। प्राइम नंबर के ग्रुप हमने डिस्कस किया था 2, 3, 5, 7, 11, 13, 19, 23, ये सब क्या है? प्राइम नंबर। तो जो भी नंबर हम ये राइट करेंगे वो सारे क्या होंगे? प्राइम नंबर। इसलिए हम इनको प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं मेथड। अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अरेंज देम इन असेंडिंग ऑर्डर। जो ये प्राइम फैक्टर हुए हैं 1729 उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, 7, 13 मल्टीप्लाई 9 इंक्रीजिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉल टू बिग, स्मॉल नंबर उसके बाद लार्ज 13 देन लार्ज 19, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज की। नाउ स्टेट द रिलेशन इफ एनी बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर। दो कॉन्सिक्यूटिव जो हमारे पास आ रहे हैं प्राइम फैक्टर में, लगातार जो नंबर आ रहे हैं कॉन्सिक्यूटिव मीन्स लगातार, उनके बीच में रिलेशन देखिए। 13 में से अगर 7 माइनस करें, 13 माइनस 7
तो रिजल्ट आएगा हमारे पास 6। ऐसे ही यहाँ पर 19 में से अगर 13 माइनस करें तो भी रिजल्ट आ रहा है हमारे पास 6। तो दो कॉन्सिक्यूटिव जो प्राइम फैक्टर है हमारे पास, उसके बीच में रिलेशन क्या हुआ कि दोनों का डिफरेंस, कॉन्सिक्यूटिव जो नंबर आ रहे हैं उनका डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है 6। तो हम राइट करेंगे द रिलेशन बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स मल्टीप्लाई करें लगातार आने वाले नंबर्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने लिया 3, 4 and 5, कॉन्सिक्यूटिव है 3, 4, 5 लगातार नंबर है, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करें 3 × 4 × 5 तो हमारे पास आएगा देखिए 3, 4 × 12, 12 × 5 = 16 एंड 60 इज डिविजिबल बाय 6, 60 इज डिविजिबल बाय 6, तो ये स्टेटमेंट ट्रू हो। और भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई भी 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, जैसे आपने लिया 7, 8, 9, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 7 × 8 × 9 8 × 7 = 56 एंड 56 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 × 6 = 54 5 × 9 = 45 504 एंड 504 में 6 का डिवाइड करेंगे देखिए 2 से डिविजिबल है और 3 से डिविजिबिलिटी रूल हम यूज करेंगे। लास्ट में नंबर क्या है हमारे पास 4, या फिर आप डायरेक्टली डिवाइड कर सकते हो 6, 6 × 8 = 48 2, 6 × 4 = 24 ये 6 से डिविजिबल है, 504 इज डिविजिबल बाय 6। तो आप कोई भी नंबर लें, देखिए कॉन्सिक्यूटिव में कोई भी नंबर 3 होना चाहिए, 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स उसका मल्टीप्लाई करके देखें तो ऑलवेज वो किससे डिवाइड होगा, 6 से डिवाइड होगा। तो आप और भी एग्जांपल ले सकते हो।